हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मेयो मैगी। तो इसके लिए मैंने मैगी को ले लिया है, साथ में वेजीज ले लिए हैं जैसे कि थोड़े से बीन्स, गाजर, चॉप टमाटर, प्याज, यहाँ चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब, और गार्निश के लिए धनिया पत्ती और साथ में मेयो, वेज मेयो। तो चलिए अब हम इसे फटाफट कुक करते हैं। हम अपने कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म कर लिया है, या वेजिटेबल ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो गर्म कर ले। यहाँ फिर मैं हम अनियन ऐड कर लेते हैं। सारे वेजी साथ में ऐड करेंगे, जैसे बीन्स भी अभी ऐड कर लेते हैं, गाजर, टमाटर, मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पका ले रहे हैं। ये देखिए वेजीज हमारी हल्के से 1 मिनट तक मैंने इसे कुक कर लिया है वेजीज को। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और टेस्ट मेकर मैगी का वो ऐड कर लेते हैं। मिक्स करते हैं। ये मेयो भी मैं अभी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पानी में उबाल आ चुकी है, तो हम इसमें अपने मैगी को ऐड कर लेते हैं। मिक्स करते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए हम कुक कर लेते हैं। 5 मिनट हो गई है। अब चलिए हम इसे चेक करते हैं। वाओ, हेल्दी मैगी बनके तैयार हो गया है हमारा। आप इसे ड्राई भी कर सकते हैं और जूसी ऐसे सूपी भी रख सकते हैं। बस मैगी बिल्कुल बन के हमारी तैयार है। इसे हम थोड़े से इंडियन टच देते हैं, धनिया पत्ती डालते हैं। मिक्स कर लेते हैं। बस यम्मी सी हमारी टेस्टी मैगी बनके तैयार है। मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। बताइए कैसा लग रहा है हमारा मैगी? बिल्कुल हमारी मैगी हेल्दी मैगी में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।